बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच महागठबंधन के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर के मुताबिक बिहार के सिवान से बाहुबली नेता और राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जेल से रिहा होकर सिवान लौट सकते हैं। बताया जा रहा है कि शहाबुद्दीन जेल से सीधे सिवान जिले के प्रतापपुर गाँव में स्थित अपने आवास पर लौटने वाले हैं। दरअसल ये खुलासा खुद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि जल्द ही उनके पति पैरोल पर जेल से बाहर आने वाले हैं और बिहार में चुनाव भी हो रहा है तो राजद के लिए एक महत्वपूर्ण ये दिन हो सकता है। उन्होंने बताया कि उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही शहाबुद्दीन जेल से बाहर आ सकते हैं। दरअसल 8 नवंबर को कोर्ट में उनकी पैरोल पर सुनवाई की तारीख रखी गई है। जेन मैलोल के मुताबिक पैरोल की प्रक्रिया को शहाबुद्दीन पूरी करते हैं। हिना शहाब ने बताया कि आठ बातों पर जेल से पैरोल मिलती है, जिसमें माँ पिता की मौत या बीमारी गंभीर हो या पत्नी भाई बच्चों की मौत या गंभीर बीमारी हो तो पैरोल हर कैदी का अधिकार है। खुशी में भी पैरोल मिलता है। ये अधिकार सजायाफ्ता और बिना सजायाफ्ता दोनों तरह के कैदी को मिलती है। दरअसल हाल ही में राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पिता का निधन हुआ था। शहाबुद्दीन की पत्नी ने बताया कि साल 2016 में 14 साल बाद हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद घर वापस आए थे, जिसके बाद पूरे इलाके में जश्न का माहौल था। लेकिन इस बार बात अलग है। उनका परिवार काफ़ी परेशानियों से गुजर रहा है और इस बार ज़्यादा तामझाम के साथ नहीं, बल्कि शहाबुद्दीन बिना किसी तामझाम के सीधा प्रतापपुर स्थित अपने आवास आएंगे और अपनी बीमार माँ से मुलाकात करेंगे। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट।